नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम के लिए सर्च आउट कीजिए कार क्वेस्ट 1 और फेसबुक के लिए सर्च कीजिए कार क्वेस्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है इस काजीरंगा एडिशन पे, और ये अभी जो मेरे पास है ये टाटा हैरियर है। वैसे टाटा मोटर्स ने इनको सभी, ये जो काजीरंगा एडिशन है ये सभी एसयूवी कार्स के अंदर दिया है, जैसे पंच के अंदर भी आपको मिलेगा नेक्सॉन, हैरियर और सफारी। काजीरंगा के बारे में आप जानते हैं कि काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो असम के अंदर है, और वहाँ पे जो राइनो है, सिंगल हॉर्न राइनो है, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो साइड में आप देखेंगे फेंडर्स पे भी आपको राइनो का यहाँ पे बैज दिखाई देगा, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो ये सभी इन SUVs के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो वेरिएंट्स हैं वो भी कुछ लिमिटेड वेरिएंट्स रखे गए हैं कि मैक्सिमम आपको टॉप वेरिएंट के अंदर ही ये मिल जाएगा। और कुछ फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है, जैसे इस हैरियर के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन किए हैं जिसकी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस काजीरंगा एडिशन के अंदर। तो वेरिएंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये एडिशन है आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर मिलेगा, XZ प्लस और XZ ए प्लस, मतलब मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ ये आपको मिलेगा। और जो कलर है वो आपको सिंगल यही कलर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ग्रासलैंड बेज कलर इसको बोलते हैं। मेरे को तो ये कलर देखने में अच्छा लग रहा है, कुछ को ये पसंद आएगा कुछ को नहीं पसंद आएगा। और ये ड्यूल टोन के साथ है, इसकी जो रूफ है वो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है, एटलस ब्लैक इसको बोल दीजिए, जिसमें डार्क एडिशन आता है हैरियर का। तो स्टार्ट इसके फ्रंट लुक से करते हैं। जब इसको फ्रंट से आप देखते हैं सबसे पहले आपका ध्यान इस ग्रिल पर जाएगा, और जो ग्रिल है यहाँ पे ये मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अंदर ये जो पार्ट है इनको ग्लोसी ब्लैक फिनिश दे दी गई है। बिल्कुल सेंटर में आपको टाटा लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जब इन DRLs को देखते हैं तो ये LED DRLs आपको यहाँ पे मिलेंगी, और ये जो है ड्यूल फंक्शन है, LEDs भी आपको यहाँ पे मिलेगी और इंडिकेटर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सो, जब नीचे की तरफ आप इस हेडलैम्प यूनिट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी। जो प्रोजेक्टर है ये बेसिकली लो बीम के लिए है, और यहाँ पे इसको वाइट कलर में रखा गया है, और ये रेगुलर आपको बल्ब यहाँ पे दिया गया है जो हाई बीम के लिए है, ये रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको मिलेगा। इसके नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे फॉग लैंप दे दिया गया है, और ये फॉग लैंप भी जो है ये रेगुलर हैलोजन बल्ब का यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये कॉर्नर असिस्ट है, लेफ्ट टर्न करते हैं तो लेफ्ट, राइट टर्न करते हैं तो राइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एंड देन जब इस बम्पर के फ्रंट पार्ट को आप देखते हैं तो ये तो आपको दिया गया है मैट ब्लैक फिनिश, ये बॉडी कलर आपको मिल जाएगा, और ये जो शेड है ये थोड़ा है इसको डिफरेंट रखा गया है, वैसे ब्लैक ही है लेकिन थोड़ा है इससे ये डिफरेंट लग रहा है। तो ये चिन गार्ड थोड़ा है डिफरेंट शेड में आपको मिलेगा, और यहाँ पे ये हनीकॉम पैटर्न की ग्रिल दी गई है। एंड देन जब इस इंजन हुड को आप देखते हैं तो इंजन हुड मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगता है, जो इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। जो हेडलैम्प्स यहाँ पे मिलते हैं वो ऑटो हेडलैम्प्स है, और साथ ही वाइपर्स भी यहाँ पे रेन सेंसिंग आपको मिल जाएंगे। तो ये थे फ्रंट लुक, अब चलते हैं कार के साइड में। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो टाटा हैरियर है एक SUV सेगमेंट के अंदर आती है, उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4598 mm। बात करते हैं गाड़ी के टायर साइज़ की, तो जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं ये आपको 17 इंचज यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाएगा, और ये ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। साथ ही जो टायर सेक्शन है 235/65 टायर सेक्शन आपको मिलेगा। ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंट फेंडर पे आपको ये सिंगल हॉर्न राइनो का बैज दिया गया है जो दोनों तरफ आपको मिलेगा, ये सिंगल हॉर्न राइनो है, राइट और लेफ्ट दोनों फेंडर्स पे दिया गया है। और जब इन ORVMs को देखते हैं तो ORVMs को भी ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको ये मिलने वाले हैं। हैंडल्स को भी जब आप देखते हैं तो हैंडल्स पे भी यहाँ पे सेंटर में इसको ग्लोसी ब्लैक फिनिश दिया गया है, और यहाँ पे एक्सेस बटन भी है को ड्राइवर साइड भी। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इस गाड़ी के अंदर क्रोम का यूज़ कहीं भी नहीं किया गया है, हर जगह आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा। इवन ये जो अपर स्ट्रिप है इसको भी ग्लोसी ब्लैक फिनिश के अंदर रखा गया है, जो रेगुलर हैरियर के अंदर आपको क्रोम के साथ मिलती है, सिर्फ आपको डार्क एडिशन के अंदर इस तरह की मिलती है। ये रूफ़ भी जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूल टोन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लैक कलर की रूफ़ भी मिल रही है। और जब इस रियर में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हैरियर लिखा हुआ है, जैसे डार्क एडिशन के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। अगर आप ब्रेक्स की बात करूँ तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, और जो रियर ब्रेक्स हैं वो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। तो ये थे साइड प्रोफाइल, अब चलते हैं कार के रियर में।
सो जब कार को रियर से आप देखते हैं, रियर लुक्स भी काफ़ी अच्छे लगेंगे इस गाड़ी के। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, देन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, और रियर शील्ड पे आपको यहाँ पे वाइपर वॉशर डिफोगर मिल जाएगा। एंड देन जब इस पार्ट को आप देखते हैं, कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ इसको रखा गया है, और ये बिल्कुल कनेक्ट करता है इन टेल लाइट्स के साथ। और टेल लाइट्स जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल LEDs आपको ये देखने को मिल जाएंगी, जो काफ़ी अच्छी लगती है। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो बैक लाइट है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। इसके थोड़ा हाँ नीचे की तरफ जब आप देखते हैं, तो टॉप वेरिएंट है ये जैसे, तो यहाँ पे आपको ये रियर फॉग लैंप्स भी मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे ये दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और ये डमी एग्जॉस्ट टिप आपको मिलेंगे। और जब इस रियर बम्पर को आप देखते हैं, तो इसको भी जब आप देखेंगे, तो ये आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक फिनिश में। एक ये बिल्कुल बीच में एक स्ट्रिप है, थोड़ा ग्रे शेड आप इसको बोल सकते हैं। 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प यहाँ पे करने वाले हैं। और जो हैरियर का बैज है, इसको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा, अगेन इसकी जो पोजीशनिंग है ये काफ़ी अच्छी रखी गई है। अब एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी का बूट स्पेस, तो यहाँ से आपको जस्ट एक्सेस बटन को प्रेस करना है और बूट ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है आपको हैरियर के अंदर, 425 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ आप रखना चाहें सामान, आपको नीचे की तरफ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कंप्लीट टूल किट, और इधर की तरफ ये आपको टायर इन्फ्लेटर किट भी दी गई है, जो अब टाटा मोटर्स की सभी कार्स के अंदर मिलती है। और इधर की तरफ आपको मिलता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड के लिए स्पेस, और नाइट यूजर्स के लिए आपको यहाँ पे बूट लैंप भी दे दिया गया है। और आपको ये हुक मिल जाएगी अप टू 2 kg तक, आप यहाँ पे वेट कुछ हैंग करना चाहें तो वो हैंग कर सकते हैं। और इस टॉप वेरिएंट के अंदर आपको सबवूफर मिलता है, तो JBL का सबवूफर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी ब्रांडिंग भी यहाँ पे दी गई है। पार्शियल सेल्फ भी दी गई है, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये था दोस्तों बूट स्पेस और रियर टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन का। अब चलते हैं रियर सीट पे और चेक कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं आपको ड्यूल शेड के अंदर यहाँ पे दिखाई देंगी। ये आपको कंप्लीट ब्लैक कलर रखा गया है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको टाटा मोटर्स ने अर्थी बेज कलर बोला है, और ये देखने में जैसे मिट्टी का कलर होता है उस तरह का ये कलर मैच करता है। और ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच के अंदर रखा गया है, रेस्ट सभी जगह आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग की गई है, जैसे JBL के स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर, बोतल के लिए स्पेस, बोतल रख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा। अब एक बार अंदर का कंफर्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्रंट सीट्स है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। तो उसके बाद आपको ये स्पेस मिलने वाला है, अगर सेम मेरी हाइट का बंदा सामने वाली सीट्स पे बैठता है तो आपको जो रिक्लाइन एंगल वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप जब ये स्पेस देखते हैं, लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो व्हील बेस है कार का 2740 mm व्हील बेस यहाँ पे रखा गया। हेड रूम भी आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में AC वेंट्स जो हैं वो आपको इधर, जैसे ये पिलर है, पिलर के अंदर आपको यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर ये रखा गया है। और जब रियर में आप देखते हैं, तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट पे आपको कप होल्डर मिलेगा। अगेन इसकी जो पोजीशनिंग है ये काफ़ी अच्छी रखी गई है। 2 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे एडजस्टेबल, आप इन हेडरेस्ट को एडजस्ट कर पाएंगे आपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन जब इस सेंट्रल कंसोल को आप देखते हैं, रियर सेंट्रल कंसोल को, तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं 2.4 एम्पीयर के, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, आप मोबाइल रखना चाहें तो यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। 2 बंदे काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे यहाँ पे, 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन सेंट्रल हम्प की वजह से मे भी थोड़ा हाँ अनकम्फर्टेबल फील हो उनको, वैसे 3 बंदे भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। सो ओवरऑल जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपने देखा है कि मैक्सिमम सभी ब्रांड्स के अंदर जो आप सेंट्रल हम्प है उसको बिल्कुल फ्लैट किया जा रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स में अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। कुछ कार्स के अंदर इसको यहाँ पे भी फ्लैट किया गया है। अब ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको कार की की दिखा देता हूँ। तो इस तरह की आपको की मिलने वाली हैं 2, इधर की तरफ टाटा लोगो, और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक के लिए आपको कंट्रोल मिलेगा। ड्राइवर साइड भी आपको एक्सेस बटन मिलेगा, तो दोनों तरफ आपको एक्सेस बटन मिल रहा है, आप इसको प्रेस करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगेन आपको ये ड्यूल टोन के साथ मिल रहा है, ये आपको प्लास्टिक मटेरियल और ये लेदर फील टच यहाँ पे दिया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिलेंगे, इसको गन मेटल फिनिश दी गई है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिरर्स की एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दे दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको ये बटन लैंप दिया गया है, अगेन
ऊपर की तरफ ये रेड कलर का है और नीचे की तरफ इसको वाइट कलर का रखा गया है। अब एक बार सीट्स का आपको ये देख लीजिए, लेदर फील सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। अगेन ये ड्यूल टोन के साथ है, अर्थी बेज कलर और ये ब्लैक कलर यहाँ पे दिया गया है। और अब एक जो फीचर ऐड हो गया है वो ये है कि अब ये जो सीट्स हैं आपको ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं। 6-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेगी, आप इनको यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको 2-way लंबा स्पोर्ट भी मिलेगा, तो लंबा स्पोर्ट को भी आप एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ से। जो सिटिंग कंफर्ट है कार का वो काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे मिलेगा। और जो स्टेयरिंग भी मिलता है आपको, वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग आपको मिलने वाला है। स्टेयरिंग पे आपको लेदर रैप इसको किया गया है, इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं और इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। और इस तरफ जब आप देखते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस पार्ट को भी जब आप देखते हैं तो अब इसको भी यहाँ पे वुडन टच दे दिया गया है। पहले भी आपको ये वुडन मिलता था लेकिन अब इसकी जो शेड है इसको और ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। सो अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडियाज़ ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट के बारे में। अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी किसी भी कार के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट, और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आप उसको परचेज़ करें, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बूडमो। और जस्ट आपको क्या करना है, बूडमो की ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको सामने का कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। कार मेकर आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, उसका ईयर कौन सा है, और आप डीजल यूज़ कर रहे हैं या पेट्रोल, तो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने सर्च कर देना है एंड देन आपको ये कुछ पार्ट शो करेगा। अगर इनके अंदर से कुछ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर के बाद आप ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और OEM या आफ्टर मार्केट, तो OEM पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आप जो भी लेना चाहते हैं, सपोज हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कंट्रोल यूनिट में हमने क्लिक किया और एक्चुएटर को हमने सेलेक्ट किया, तो उसके बाद जब आप देखते हैं तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे 10-day अश्योर्ड रिटर्न भी आपको मिलता है, तो जस्ट आपको यहाँ से इसको ऐड करना है अपनी कार्ट के अंदर, तो ऐड टू कार्ट, और इसको परचेज करना है। और जो सभी लिंक्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कीजिए और अपने लिए ऑर्डर कर दीजिए जो पार्ट आप चाहते हैं अपनी कार के लिए। तो आ जाइए दोबारा से इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सो जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सो जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। पहले स्टार्टिंग होगी तो ये टाटा का लोगो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये इतना डिजिटल है। इधर की तरफ ये इसको एनालॉग रखा गया है, इधर जो RPMs आपको शो करेगा ये डिजिटली शो करेगा। सो अभी ये डोर ओपन दिखा रहा है, फ्यूल लेवल लो दिखा रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन ये सामने की तरफ आपको शो करेगा। पावर, टॉर्क, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितना फ्यूल है गाड़ी के अंदर, वो हर इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। इधर की तरफ ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड दिखा रहा है और इधर की तरफ ये इंजन टेम्परेचर गेज शो कर रहा है। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। सो जब सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं यहाँ पे आपको 8.8 इंच का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको अब क्या कर दिया है टाटा मोटर्स ने, हैरियर के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको यहाँ पे वायरलेस कर दिए गए हैं, जो सिर्फ पहले आपको टाटा सफारी के अंदर मिलता था। और अब आपको यहाँ पे एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है, तो ये उसका इंडेक्स यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही आप AC ऑन करते हैं तो एयर प्योरीफायर है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अभी जैसे एयर प्योरीफिकेशन ऑफ है तो ये ऑफ लिखा यहाँ पे आ रहा है। और आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, अगेन कैमरा को यहाँ पे इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव काफ़ी हद तक यहाँ पे किया जाना चाहिए। और ये जो कंप्लीट आपको मिलता है इसके सराउंडिंग यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। ये आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम के, वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट रियर फॉग लैंप के कंट्रोल्स, इधर की तरफ आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स मोड। और नीचे की तरफ आपको ये छोटे से इस पार्ट के अंदर मिल जाएगा ऑटो AC की यूनिट, तो जब भी आप यहाँ से कुछ भी चेंज करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आपको म्यूजिक सिस्टम में आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी ये फैन स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये सब आपको डिटेल्स आपको शो करेगा यहाँ सामने की तरफ। और जब नीचे की तरफ आप थोड़ा जाते हैं तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है USB पोर्ट और एक साथ में ऑक्स के लिए पोर्ट, और यहाँ पे आपको ये नोब मिल जाएगी टेरेन रिस्पॉन्स मोड की,
तो नॉर्मल वेट एंड रफ सरफेस इधर की तरफ ट्रैक्शन ऑफ के लिए और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा। अब ये जो गाड़ी है 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और मैनुअली भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक दिया गया है एरो थ्रॉटल डिज़ाइन में, एंड देन यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे और सेंटर में एक आर्मरेस्ट दिया गया है जो ब्लैक लेदरेट फिनिश इस पर दी गई है और ये फिक्स्ड है, आप इसको स्लाइड नहीं कर पाएंगे। अंदर की तरफ जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कूल्ड स्पेस आपको इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स, एक आपको ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं सामने की तरफ डैशबोर्ड की, तो जब डैशबोर्ड को आप देखते हैं तो ये जो अपर पार्ट है ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा। अगेन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये जैसे मैंने आपको दिखाया वुडन फिनिश के साथ बीच में पियानो ब्लैक फिनिश दे दी गई है और नीचे की तरफ आपको ये ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। ग्लो बॉक्स का स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, अलग से टैबलेट होल्डर यहाँ पे दिया गया है और नाइट यूजर्स के लिए आपको इल्यूमिनेशन भी इसके अंदर मिल जाएगी। एंड देन जब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद इल्यूमिनेशन, और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक कंट्रोल्स मिल जाते हैं सनरूफ के, तो यहाँ से आप इस कर्टन को सेपरेट रिमूव कर सकते हैं। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हर के लिए अलग अलग कंट्रोल दिए गए हैं, तो कर्टन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से आप टिल्ट कर सकते हैं इस सनरूफ को और इस बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन या क्लोज आप करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। और जो सनरूफ है ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, ग्लोबल क्लोज फीचर के साथ ही आती है। अगर आप इसको ओपन कर देते हैं और गाड़ी को लॉक कर देते हैं की के साथ तो ये ऑटोमेटिकली जो सनरूफ है ये क्लोज हो जाएगी विद एंटी पिंच, रेन सेंसिंग, ये सारे फीचर्स आपको इस सनरूफ के अंदर मिल जाएंगे। IRVM भी आपको ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंटीरियर्स टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन के। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में, तो आइए चलते हैं। सो दोस्तों आज मैं आया हूँ मेट्रो मोटर्स करनाल हरियाणा के शोरूम में। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कोई भी टाटा की कार परचेज़ करने की तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉल करके आप किसी भी टाटा कार की डिटेल्स और बेस्ट डील ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा हैरियर के सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे बेस वेरियंट से ही आपको ESP फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, ड्यूल एयरबैग ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और इस टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, साथ में ऑफ रोड ABS, तो टोटल 12 ESP फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और रियर में आपको सेंसर्स और कैमरा, ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं टाटा हैरियर के अंदर। अब बात करते हैं इंजन की, तो जो हैरियर है सिर्फ आपको डीजल इंजन के साथ अवेलेबल रहेगी। 2.0 लीटर्स का क्रायोटेक इंजन मिलता है जो पावर जनरेट करता है 170 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 Nm का। यहाँ पे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टैंडर्ड जो वारंटी है 2 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी यहाँ पे मिलती है और आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। सो अब बात करते हैं कार के प्राइसिंग की, तो जो सभी प्राइस हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्राइजेज हैं दोस्तों ये एक शोरूम प्राइस है, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। अब एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि काजीरंगा एडिशन में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो टोटल 4 एड ऑन फीचर्स आपको यहाँ पे मिले हैं, एक आपने देखा वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल रही हैं, फिर उसके बाद एक जो चेंज आया है म्यूजिक सिस्टम के अंदर कि अब आपको वहाँ पे एयर प्योरीफायर मिल रहा है, साथ में जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है उसको वायरलेस कर दिया है, और जो 4th आपको फीचर मिल रहा है वो भी म्यूजिक सिस्टम के अंदर मिल रहा है, वो है आयरा ऐप। अभी तक आपको यहाँ पे आयरा ऐप नहीं मिल रही थी टाटा हैरियर के अंदर, लेकिन काजीरंगा एडिशन के अंदर आपको ये आयरा ऐप मिल रही है। तो ये जो चारों फीचर है ये सिर्फ इस एडिशन के अंदर है, किसी दूसरे वेरिएंट के अंदर आपको ये फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो काजीरंगा एडिशन टाटा हैरियर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।